दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। दोस्तों, आज हम इटली के एक ऐसे आइलैंड पर बात करेंगे जिसे आइलैंड ऑफ द डेड कहा जाता है। उत्तरी इटली की वेनेशियन लैगून्स में स्थित इस आइलैंड पर जाना सख्त मना है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जाने वाला इंसान कभी जिंदा नहीं लौटता। ऐसा लगता है कि मानो यहाँ सिर्फ शैतान का ही राज चलता है। दरअसल इस आइलैंड के शापित होने के पीछे एक खौफनाक कहानी है। बताया जाता है कि सैकड़ों साल पहले इस आइलैंड पर प्लेग से पीड़ित मरीजों को मरने के लिए यहां लाकर छोड़ दिया जाता था। बाद में ब्लैक डेथ के समय भी इस आइलैंड का ऐसा इस्तेमाल जारी रहा। ऐसे में जो लोग मर जाते थे उन्हें यहीं पर दफन कर दिया जाता था। बाद में मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई कि यहाँ पर 1,60,000 बीमार लोगों को जिंदा जला दिया गया। इसके बाद से यहाँ पर कई अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी और ये आइलैंड पूरी तरह से वीरान हो गया। हालांकि साल 1922 में इस आइलैंड पर मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया, लेकिन कुछ सालों बाद ही इसे बंद कर दिया गया क्योंकि यहाँ पर काम करने वाले डॉक्टर्स और नर्सों को कई असामान्य चीज़ें नज़र आने लगीं। वहीं पागलखाने में भर्ती मरीजों को भी प्लेग से पीड़ित मरीजों के भूत दिखाई देने लगे। ऐसा भी कहा जाता है कि इस मेंटल हॉस्पिटल में एक डॉक्टर था जो अपने मरीजों पर उनकी इच्छा के खिलाफ दर्दनाक एक्सपेरिमेंट किया करता था, जिनके बारे में सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। उसका मानना था कि दिमाग के ऑपरेशन के जरिए ही इन मरीजों का इलाज किया जा सकता है, लेकिन ये ऑपरेशन मरीजों को बिना बेहोश किए ही करता था। यही नहीं, ऑपरेशन के दौरान वह हथौड़ा और ड्रिल जैसे खतरनाक औजारों का भी इस्तेमाल करता था। इस बात से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उन मरीजों को कितना दर्द होता होगा। लेकिन कुछ समय बाद वह डॉक्टर भी अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और एक दिन उसने उस अस्पताल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। लोगों का मानना है कि उसके द्वारा टॉर्चर किए गए मरीजों की आत्माओं ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया होगा। इस मेंटल हॉस्पिटल के बंद होने के कई सालों तक ये आइलैंड वीरान पड़ा रहा। इसके बाद इटली की सरकार ने 1960 में इसे एक प्राइवेट मालिक को बेच दिया। वह शख्स अपने परिवार के साथ यहाँ कुछ ही दिन रहा, लेकिन यहाँ लगातार अजीबोगरीब गतिविधियों के कारण वह इस जगह को छोड़कर चला गया। उसके बाद एक दूसरे परिवार ने इस जगह को हॉलीडे होम बनाने के लिए खरीदा, लेकिन वो भी यहाँ एक दिन से ज्यादा नहीं टिक सका। कहा जाता है कि आइलैंड के मालिक की पत्नी बहुत ही अजीब सा बर्ताव करने लगी और उसकी बेटी के चेहरे को किसी ने बुरी तरह से काट दिया, जिसे जोड़ने के लिए 14 टांके लगाने पड़े। इन तमाम घटनाओं के बाद भी कई लोगों ने इस आइलैंड की पड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन सच की तलाश में गए ज्यादातर लोग यहाँ से जिंदा लौट कर नहीं आ सके। हालांकि जो लोग बचकर वापस लौट आए उनका ये कहना था कि यहाँ पर बीमारी से मरे हुए लोगों की आत्माएं भटकती हैं। इस आइलैंड पर रात गुजार चुके एक शख्स ने यह बताया कि किसी ने उसे तुरंत इस आइलैंड को छोड़ देने को कहा। उसने ये भी कहा कि अगर तुम नहीं जाओगे तो जिंदा लौट पाना मुश्किल होगा। हालांकि इस भूतहा आइलैंड की पूरी सच्चाई क्या है, ये आज भी एक रहस्य है। यूं तो सरकार ने लोगों के यहाँ आने पर प्रतिबंध लगा दिया है, मछुआरे भी इस आइलैंड के पास मछली पकड़ने नहीं आते। उनके जाल में कई बार मरे हुए इंसानों की हड्डियां फंस जाती हैं। सिर्फ शराब की फसल के समय पर ही लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में 50% इंसानी राख मिला हुआ है। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।